गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लास। ये क्लास 5th की साइंस की क्लास है और लास्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6, दैट इज़ फूड एंड हेल्थ, जिसमें हमने देखा था कि फूड हमें क्यों ज़रूरी है, फूड में क्या क्या कंटेन होता है। तो हमने पढ़ा था माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमने पढ़ लिया था कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, ठीक है ना। कि फैट्स जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं, सैचुरेटेड, ट्रांस फैट एंड अनसैचुरेटेड फैट। इन सब के बारे में कि कहाँ से हमें मिलता है। प्रोटीन हमने पढ़ा था कि आवर डाइट मस्ट कंटेन 35% ऑफ द फूड रिच इन प्रोटीन एनिमल। जो डाइट में है उसमें 35% प्रोटीन होना चाहिए, जिसमें बीन्स, मीट्स, पोल्ट्री, फिश, चीज़, नट्स, इन सब से हमें क्या मिलता है, हमें प्रोटीन मिलता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। और जब कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं होता तो हमारी बॉडी को एनर्जी भी इसी प्रोटीन से होती से मिलती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थे कि जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब आ गया माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आएगा, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर ऑफन कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। जो ये होता है, माइक्रो मीन्स बहुत छोटा है, इसका मतलब कि जो इसकी क्वांटिटी होती है बहुत स्मॉल क्वांटिटी में इसकी नीड होती है। किसकी? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की। कौन कौन से हैं? विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है ना। इन्हें बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नहीं। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इनकी हमें लार्ज अमाउंट में क्वांटिटी चाहिए होती। बट जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी कि विटामिन्स एंड मिनरल्स, उनकी हमें बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में ज़रूरत होती है। तो विटामिन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस मेड बाय प्लांट्स और एनिमल्स। जो विटामिन्स होते हैं वो एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जो किससे बने होते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से बने होते हैं। विटामिन्स फॉल्स इनटू टू कैटेगरीज। दो तरह के विटामिन्स होते हैं, एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन और एक होता है फैट सोल्यूबल। यानी ऐसे विटामिन्स जो फैट में सोल्यूबल होते हैं और ऐसे विटामिन्स जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। तो जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो ए, डी, की, ई, के है, और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो सी एंड बी कॉम्प्लेक्स होते हैं। यानी कि दो ही विटामिन है जो वाटर में होते हैं, बाकी सारे फैट सोल्यूबल। देखिए अब यहाँ पर आपको चार्ट दिया हुआ है विटामिन्स का और मिनरल्स का। तो पहले विटामिन्स देखेंगे, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। जो विटामिन ए होता है वो हमें किससे मिलता है, मिल्क, एग, सेरल और कैरेट्स, पोटैटो, मैंगोज एंड टोमेटोज से, ठीक है। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो उससे हमें क्या होती है, आई प्रॉब्लम्स हो जाती है। प्रमोट हेल्दी इम्यून सिस्टम, ये हमारी इम्यून सिस्टम को हेल्दी बनाता है, कीप स्किन हेल्दी, और हमारी स्किन को भी हेल्दी रखता है। विटामिन सी, स्पिनच, गुआवा, ऑरेंज एंड ग्रेप्स। हेल्दी बोन्स, टीथ एंड गम्स के लिए हमें क्या ज़रूरी है, विटामिन सी। जैसे कभी कभी आपके टीथ से ब्लड आ जाता है, आपके गम्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो किसकी वजह से होता है, जब उनमें विटामिन सी की कमी हो जाती है। हेल्प्स टू एब्जॉर्ब आयरन एंड कैल्शियम। विटामिन सी होगा तभी आप किसी चीज़ से आयरन और कैल्शियम को क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर पाएंगे। एड्स इन रॉ वाउंड हीलिंग एंड ब्रेन फंक्शन। ये जब आपका कुछ कहीं चोट लग जाती है तो उसकी हीलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विटामिन टी, डी सबसे अच्छा सोर्स है सनलाइट, ठीक है ना। एग, मिल्क, फिश ऑयल तो है ही है, बट विटामिन डी का सबसे अच्छा सोर्स है सन लाइट। स्ट्रेथन बोन्स एज इट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब कैल्शियम। ये हमारी बोन्स को ताकत देता है ताकि हम कैल्शियम को क्या कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें। विटामिन ई प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम डैमेज। जो विटामिन ई होता है ये सेल्स को डैमेज होने से प्रोटेक्ट करता है, और इसके सोर्स हैं नट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स। वॉट इज मिनरल्स? अभी विटामिन था, विटामिन क्या था, ऑर्गेनिक सब्सटेंस था जो हमें प्लांट और एनिमल के थ्रू मिलता है। और मिनरल्स क्या है, मिनरल आर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट कम फ्रॉम सॉइल एंड वाटर एंड आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट और ईटन बाय एनिमल्स। यानी कि ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो सॉइल और वाटर में मिले होते हैं, इनको एब्जॉर्ब करता है प्लांट और प्लांट को हम खा लें, डायरेक्टली एनिमल उसको खाएँ, ठीक है ना। मिनरल्स आर नीडेड इन वेरी स्मॉल अमाउंट। मिनरल्स का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम होता है। कैल्शियम बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीथ एंड बोन्स। हमारा कैल्शियम जो होता है उससे हमारे जो टीथ हैं और बोन्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। इनका सोर्स है मिल्क, चीज़, वेजिटेबल्स एंड ऑरेंजेस। आयरन कैरीज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो आयरन होता है हमारे ब्लड में उसके ट्रांसपोर्ट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये रेड मीट, फिश, लेंटिल्स और बीन्स से मिलता है। मैग्नीशियम हेल्प मसल्स एंड नर्व टू फंक्शन प्रॉपरली। हमारी मसल्स और नर्व को वो अच्छे से फंक्शन करें इसके लिए ज़रूरी है। हेल्प्स द बॉडी क्रिएट एनर्जी एंड मेक प्रोटीन्स। ये हमारी एनर्जी क्रिएट करने के लिए और प्रोटीन्स को बनाने के लिए।
ब्रेड, नट्स, पोटैटोज, बीन्स, बनाना, मिल्क, चॉकलेट, ये सारे मैग्नीशियम के सोर्स हैं। जिंक स्ट्रेंथेंड इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम को ताकत देता है। और कहाँ से है इसका सोर्स? मीट, शी फूड, नट्स एंड मिल्क। तो ये है विटामिन एंड मिनरल, जो कि विटामिन ऑर्गेनिक होता है और ये क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके बाद आ गया वाटर। वाटर आल्सो प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन द बॉडी, इन आवर बॉडी। सो वाटर कंप्राइजेस अबाउट 75% ऑफ द ह्यूमन बॉडी। आपको पता है ब्लड भी कैसा होता है? लिक्विड। तो हमारी बॉडी में पानी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। 75% ऑफ ह्यूमन बॉडी क्या होता है? किससे बना होता है? 75% बॉडी जो है वो वाटर से बनी होती है। एंड अ मेजर कंपोनेंट इन एवरी सेल। ब्लड, मसल्स, लंग्स एंड ब्रेन्स ऑल कंटेन वाटर। सब में वाटर होता है। वाटर एक्ट्स अ मीन फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू ट्रेवल टू डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। तो जो वाटर का यानी जो लिक्विड सिस्टम होता है वो क्या करता है? ब्लड को पूरे पार्ट्स तक पहुंचाता है। और जो हम फ्रूट के थ्रू नाइट्रोजन या सॉरी न्यूट्रिशन और जो भी चीज़ें लेते हैं वो सारा भी हमारे बॉडी के उस पार्ट तक पहुंचाता है जहां पे उसकी नीड होती है। तो वाटर इज़ वेरी इसेंशियल फॉर आवर बॉडी। इट मेंटेन बॉडी टेम्परेचर। ये हमारी बॉडी को टेम्परेचर को क्या करता है? मेंटेन रखता है ना। जैसे आपको गर्मी होती है, जब गर्मी के सीजन में तो वो स्वेटिंग होती है जिससे आपका बॉडी का टेम्परेचर क्या रहता है उसको स्टेबल बनाए रखता है, ठीक है ना। और ज़्यादा वाटर हो जाए आपकी बॉडी में तो एक्सेस वाटर को भी रिमूव कर दे इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। इट हेल्प्स द फूड टू मूव थ्रू द डाइजेशन एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हेल्प करता है पहले डाइजेशन सिस्टम की तरफ, उसके बाद फिर उसके एक्सक्रीशन में भी हेल्प करता है। इट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट द डेलिकेट बॉडी पार्ट्स लाइक द आई, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। इन सारे जो बहुत ही सॉफ्ट पार्ट होते हैं इनको भी क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इट कीप्स अवर आई ब्राइट, स्किन सॉफ्ट एंड हेयर शाइनिंग। हमारे आँखों को ब्राइट करता है, स्किन को सॉफ्ट करता है और हमारे हेयर को शाइनर बनाता है। आवर बॉडी लूजेस वाटर थ्रू यूरिनेशन, रेस्पिरेशन एंड स्वेटिंग। इन तीन प्रोसेस से हमारा बॉडी का वाटर जो होता है वो लॉस होता है। द अमाउंट ऑफ वाटर नीडेड बाय द बॉडी डिपेंड्स ऑन द एज, यानी एज के अकॉर्डिंग। जैसे एज के अकॉर्डिंग फूड की ज़रूरत होती है, उसी तरह से एज के अकॉर्डिंग वाटर की भी ज़रूरत होती है। आउटसाइड टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ये भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितना टेम्परेचर है और उसकी ह्यूमिडिटी कितनी है। इसीलिए हमें समर के सीजन में हमें ज़्यादा प्यास लगती है और विंटर में कम। वी नीड टू ड्रिंक 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर एवरी डे। हमें 8 to 10 ग्लास मिनिमम या मैक्सिमम 10 ग्लास हमें ज़रूर पीना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट, व्हाट इज़ बैलेंस्ड डाइट? अ डाइट दैट कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर इन द राइट प्रोपोर्शन इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट। जब कोई चीज़, जो भी चीज़ें हम इनटेक कर रहे हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, कोई भी चीज़ है, जब हम उसको एक राइट अमाउंट में इनटेक करेंगे दैट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट, ठीक है ना। अ बैलेंस डाइट इज एसेंशियल टू स्टे हेल्दी एंड ग्रो वेल। अगर ऐसा नहीं होगा, अगर हम बैलेंस डाइट नहीं लें, यानी कि हम सिर्फ पानी ही पानी पी रहे, तो हमारी बॉडी में और सारी चीज़ों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। इसलिए हमें एक बैलेंस डाइट चाहिए। किस लिए? टू कीप हेल्दी एंड ग्रो वेल। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिसीजेज़।